नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक और नई स्वीकृति दी है कि पशुपालन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का एक और अतिरिक्त अवसर। मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी लेवल 12 के 79 पद होंगे नए सर्जित। ये जो न्यूज आई है साथियों, पशुपालन विभाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जो है जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते पूरी जानकारी। तो साथियों, जिस प्रकार से आप सबको पता ही है कि काफी समय से पशुधन सहायक सर्वक जो है कार्मिक मांग कर रहे थे पदनाम परिवर्तन की, और वो पदनाम परिवर्तन साथियों हो चुका है पशुधन सहायकों का। ये देखिए पूरी जानकारी कि पशुधन सहायक सर्वक कार्मिकों की मांग पूरी। अब कौन सा पदनाम रखा गया है पशुधन सहायकों का और जो अन्य पद है उनके, वो देखते हैं कि पदनाम परिवर्तन के मांग कर रहे कार्मिकों की मांग हुई पूरी। अब पशुधन सहायकों का पदनाम होगा पशुधन पर्यवेक्षक, और वरिष्ठ चिकित्सा सहायक का पदनाम होगा पशुधन प्रचार अधिकारी। सूचना सहायक का पदनाम होगा वरिष्ठ पशुधन प्रचार अधिकारी। और जो तीसरी पदोन्नति है, जो नया पद सर्जित किया गया है, वो मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी का किया गया नया पद सर्जित। जनवरी में पशुधन सहायक सर्वंग ने किया था आंदोलन। साथियों, पशुधन सहायकों द्वारा जो है आंदोलन किया गया था जनवरी में, और इससे भी पहले कई बार ये चर्चा में रह चुका है पदनाम परिवर्तन का। तो अब जो है फाइनली पदनाम परिवर्तन हो चुका है और इसकी जो है स्वीकृति मिल चुकी है। अब जो है साथियों, पशुधन जो सहायक है अब उनको पशुधन पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाएगा, और जो वरिष्ठ चिकित्सा सहायक है उनको अब पशुधन प्रचार अधिकारी नाम मिला है, और जो सूचना सहायक का जो पदनाम है वो वरिष्ठ पशुधन प्रचार अधिकारी रहेगा। और इसके अलावा एक और नए पदोन्नति यानी कि नया पद सर्जित किया गया है जिसका नाम रहेगा मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी। ये थर्ड प्रमोशन पर होगा। ये भी मैं डिटेल आपको नेक्स्ट जानकारी में बता रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। और यहाँ पर देखिए कि मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति, पशुपालन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का एक और अतिरिक्त अवसर। मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी पे लेवल 12 के 79 पद होंगे सर्जित। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को अब पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी के 79 नवीन पदों की सृजन की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है साथियों, कि अब एक और नया पदनाम रखा गया है, नया पद सर्जित किया गया है जो थर्ड प्रमोशन पे होगा। तो हाल फिलहाल में 79 पद इसके रखे गए हैं, और मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी इस पद का नाम रहेगा। और वर्तमान में जो पशुधन पर्यवेक्षक हैं जिनका लेवल 8 है के पद पर नियुक्त कार्मिकों के लिए पदोन्नति के दो अवसर क्रमशः पशुधन प्रचार अधिकारी लेवल 10 और वरिष्ठ पशुधन प्रचार अधिकारी लेवल 11 के उपलब्ध है। यानी कि पशुधन सहायक का जो है दो बार प्रमोशन हो रहा था, लेकिन इसके अतिरिक्त अब एसीपी योजना के अंतर्गत उन्हें 9, 18 एवं 27 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः लेवल 10, लेवल 11 और लेवल 12 में वित्तीय उन्नयन दे होगा। अब कार्मिकों को जो है पदोन्नति का थर्ड अवसर भी उपलब्ध करवाने के लेवल 12 मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी के नए पद को सर्जित किए है। श्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार समस्त जिला संयुक्त निदेशक कार्यालयों के लिए 66 पद और समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक कार्यालयों के लिए तो 7 पद, और पशुपालन निदेशालय जयपुर के लिए 3, और राज्य रोग निदान केंद्र जयपुर, प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई जयपुर एवं राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के लिए 1-1 मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी के पद सर्जित किए जाएंगे। जो मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी है इन सब में, इन डिपार्टमेंट में इतने इतने पद जो है रखे गए हैं। और अब जो है साथियों, मैं आपको बताता हूं कि जो पदनाम परिवर्तन हुआ है और जो नया पद सर्जित हुआ है, और अब उनका जो प्रमोशन किस टाइप से किस तरीके से होगा। तो साथियों, जो पशुधन सहायक का जो नया नाम है वो अब जो है पशुधन पर्यवेक्षक हो गया है। क्या नाम हो गया है? पशुधन पर्यवेक्षक। पशुधन सहायक से पशुधन पर्यवेक्षक हो गया है,
और जो पशु चिकित्सा सहायक है उनका पशुधन प्रचार अधिकारी नाम हो गया है। अब जो साथियों वर्तमान में जो पशुधन पर्यवेक्षक पर जो कार्यरत है उनका जो है प्रथम प्रमोशन होगा पशुधन प्रचार अधिकारी पर, ठीक है साथियों। जो फर्स्ट प्रमोशन होगा, प्रथम प्रमोशन वो पशुधन प्रचार अधिकारी के नाम से होगा। और जो दूसरा जो सूचना सहायक अधिकारी है उनका वरिष्ठ पशुधन प्रचार अधिकारी हो गया। और जो दूसरा जो प्रमोशन होगा, सेकंड प्रमोशन, वो वरिष्ठ पशुधन प्रचार अधिकारी के पद पर होगा। और इसके अलावा जो एक और जो है प्रमोशन रखा गया है, नया पद सर्जित किया गया है, थर्ड प्रमोशन मुख्य पशुधन प्रचार अधिकारी के नाम पर होगा, जिसके नवीन 79 पदों का सर्जन किया गया है, ठीक है साथियों। थर्ड प्रमोशन तक ये कर दिया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और ये अब जो है पशुधन पर्यवेक्षक यानी कि पशुधन सहायक जो है वर्तमान में, अब उनका नाम पशुधन पर्यवेक्षक हो गया है। उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन प्रमोशन होंगे लेवल 12 तक, ठीक है साथियों। ये पदनाम परिवर्तन, प्रमोशन और नए पद सर्जित को लेकर ये जो पशुपालन विभाग की जो न्यूज आई है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। और आशा करूंगा कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। इसी तरह के वीडियो से हम मिलते रहेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।